हेलो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही यूनिक और नई रेसिपी लेके आया हूँ। आज अपन बनाएंगे बैंगन मटर और शिमला मिर्च की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। बने रहेगा वीडियो में, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं बैंगन मटर और शिमला मिर्च की सब्जी। सबसे पहले मटर को मैंने छील के तैयार कर लिया है। अभी 2 शिमला मिर्च लिए, 150 ग्राम करीब मैंने बैंगन लिए है। पहले शिमला मिर्च को थोड़ा हल्का लंबा और बारीक कटिंग कर लेंगे, ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे। मैंने शिमला मिर्च को कटिंग कर लिया है। बैंगन को पानी में काटेंगे क्योंकि बैंगन काले पड़ जाते हैं, इसलिए बैंगन को लंबे लंबे आकार में काट लेंगे सभी बैंगन को। अभी कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल देंगे। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है और शिमला मिर्च को भी मैंने करीब 2 मिनट पका के उसके बाद में उसमें मटर भी डाल दिए हैं। थोड़ा वीडियो कट हो गया था इसलिए क्षमा चाहता हूँ, इसलिए आपको बता देता हूँ कि इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाला था और थोड़ा सा राई जीरा डाला था और एक पत्ता डाला था, गरम पत्ता। इसको मैंने करीब 2 मिनट तक पकाया है। 1 मिनट तक मैंने शिमला मिर्च को पकाया है और 1 मिनट उसके बाद में मटर डाल के 2 मिनट टोटली पकाया है। उसके बाद में मैंने इसमें बैंगन को भी ऐड कर लिया है। अभी बैंगन ऐड करने के बाद इसको करीब 2 मिनट तक मैंने पकाया है। अभी इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, आधा चम्मच। अभी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको सब्जी को करीब 1 मिनट और पका लेंगे। 1 मिनट हो गया है, अभी इसमें मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें आधा चम्मच करीब हल्दी पाउडर डाल देंगे और हल्दी पाउडर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। आपका 1 लाइक से हमारे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। और सब्जी रिलेटेड वीडियो आपको देखना है तो मेरे TRC किचन चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं देसी अंदाज में सब्जी रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। अभी मैंने इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और 1.5 चम्मच करीब इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। ये मेरी मिर्ची तीखी कम है तो मैंने 1.5 चम्मच डाला है। आपकी मिर्ची अगर तीखी है तो आप कम डालिएगा। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे 1 कप। और सबसे पहले इसको मिक्स करके थोड़ी देर और पकाएंगे 1 मिनट तक। फाइनली अभी सब्जी को पकाते हुए 1 मिनट हो गया है। अभी सब्जी में थोड़ा सा और पानी भी ऐड करेंगे आगे। सबसे पहले इसको पहले मिक्स कर लेंगे और 1 चम्मच इसमें नमक भी डाल देंगे। अभी मैं इसमें पानी करीब 2 कप ऐड करूँगा, थोड़ा पानी आगे इसमें और ऐड करूँगा। अभी मैंने इसमें 1 कप पानी और डाल दिया है। अभी फाइनली इस सब्ज़ी को उबाल आने तक पका लेंगे। फाइनली अभी सब्ज़ी में थोड़ा थोड़ा उबाल आने लग गया है तो फाइनली बैंगन की सब्जी बन के तैयार हो गई है। आप बनाए बैंगन की सब्जी। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। खुश रहिए।